नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम संख्याओं की जानकारी भाग 6 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम रोमन संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम रोमन संख्याओं की भूमिका के बारे में जानें। हम अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में अंकों को दर्शाने के लिए संकेतों का प्रयोग करते हैं, जैसे किसी एक वस्तु के लिए एक व दो वस्तु के लिए दो व तीन वस्तु के लिए तीन। इसी प्रकार 4, 5, 6, 7, 8 व 9। इन संकेतों को हम हिंदू अरबिक संख्यांक कहते हैं। इसी प्रकार रोम के निवासियों ने भी एक संख्यांक बना रखा है और उसे हम रोमन संख्यांक कहते हैं। उनके संकेत अंग्रेजी के संकेतों के जैसे थे, जैसे I, V, X, L, C, T, M, और उनके मान कुछ इस प्रकार होते हैं। I का मतलब 1 व V का मतलब 5 व X का मतलब 10 व L का मतलब 50 व C का मतलब 100, D का मतलब 500 व M का मतलब 1000। मगर संख्याएं तो और भी होती हैं, जैसे 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12। तो हम इसे कैसे लिखेंगे अपने रोमन संख्यांकों में? इसके लिए उन्होंने अलग नियम बनाए। आइए अब हम वो समझें। संकेतों का जितनी बार पुनरावृत्ति हो हम उतनी बार उसे जोड़ देंगे। जैसे 2 बार आई लिखने पर 1 आई का मान होता है 1, तो हमने जोड़ दिया 1 जोड़ 1 जो कि हो गया 2। इसी प्रकार अगर हम 3 बार आई लिखें तो वह हो जाएगा 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जो कि हो गया 3। तो क्या इसी प्रकार 4 बार आई लिखने पर यह 4 हो जाएगा? नहीं, हम किसी भी संकेत को 3 बार से ज्यादा नहीं दोहरा सकते, इसलिए 4 लिखने के लिए हम इसे अलग संकेत से लिखेंगे, जो हम आज की वीडियो में आगे सीखेंगे। जिस प्रकार आई के पुनरावृत्ति कर हमने 3 बार आई लिख इसे 3 बनाया था, इसी प्रकार एक्स की पुनरावृत्ति कर 2 बार x लिख 10 जोड़ 10 होगा जो कि 20 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 बार x की पुनरावृत्ति कर हम 10 जोड़ 10 जोड़ 10 जो कि 30 के बराबर हो जाएगा। तो क्या इसी प्रकार 40 को हम x x x x लिख सकते हैं? जी नहीं। कृपया कर याद रखें कि किसी भी संकेत को हम 3 बार से ज्यादा नहीं दोहरा सकते। तो आइए अब हम इनके नियम सीखें। सबसे पहले हम यह सीखेंगे कि कैसे हम एक रोमन संख्या को हिंदी अरबिक संख्या में बदलते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक रोमन संख्या लिया है। V का मतलब होता है 5, I का मतलब होता है 1 व I का मतलब होता है 1। जब हम बाएं से दाएं की तरफ बढ़ेंगे तो अगर अंक बढ़ते से घटते हुए हैं तो हम सारे अंकों को जोड़ देंगे। तो 5 जोड़ 1 जोड़ 1 कितना होगा? जी हाँ, 7। इसी प्रकार मैंने x v i ले रखा है। x का मान होता है 10, v का मान 5 व i का मान 1। तो अगर हम दोबारा बाएं से दाएं की तरफ जाएं तो संख्याएं बड़ी से छोटी होते जा रही हैं। इसका मतलब हम संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 10 जोड़ 5 जोड़ 1 कितना होगा? जी हाँ, 17। अब मैंने i व v ले रखा है। I का मान होता है 1 व V का मान 5। जब मैं बाईं से दाएं की तरफ बढ़ूंगा तो इस बार संख्या छोटी से बढ़ती हुई है, तो फिर क्या होगा? जी हाँ, अब हमें घटाना है। आप इसे कुछ इस प्रकार याद रख सकते हैं। बाएं से दाएं तरफ जाते वक्त अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या से पहले है तो हमें घटाना है, और अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या से पहले है तो हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर 1 5 से पहले है जो कि छोटी संख्या है, तो फिर हम 5 से 1 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? जी हाँ, 4। इसका मतलब आई वी का मतलब होता है 4। इसी प्रकार मैंने यहाँ x i x ले रखा है। x का मान होता है 10, i का मान 1 व x का मान 10। बाएं से दाएं की ओर बढ़ते वक्त छोटी संख्या बड़ी संख्या से पहले है, तो यहाँ हमें क्या करना होगा? जी हाँ, पहले हम यहाँ घटाएंगे
तो 10 से अगर हमने 1 घटा दिया तो कितना बचा? 9। तो अब इन दोनों संख्याओं की जगह हम लिख लेंगे 9। अब आप दोबारा देख सकते हैं कि बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते वक्त 10 और 9 जो कि बड़ी व पहले है और छोटी बाद में है, तो 10 जोड़ 9 कितना हो जाएगा? 19। तो एक्स आई एक्स का मतलब कितना हुआ? 19। आइए अब हम हिंदी अरेबिक संख्यांक से रोमन संख्यांक में बदलना सीखें। आपको किसी संख्या का प्रसारित रूप लिखना तो याद ही होगा। इसी प्रकार जब भी हमें कोई हिंदी अरेबिक संख्या दी हुई हो और उसका हमें रोमन संख्या में बदलना हो तो हम सबसे पहले उस हिंदी अरेबिक संख्या का प्रसारित रूप लिख लेंगे। जैसे यहाँ 13 है तो 13 का प्रसारित रूप हुआ 10 जोड़ 3। 10 का अरेबिक संख्यांक का संकेत होता है एक्स व 3 को हम लिखते हैं आई आई आई। तो इन दोनों संकेत को जोड़कर क्या होगा? जी हाँ, एक्स आई आई आई। तो 13 को हम एक्स आई 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 से लिखेंगे। इसी प्रकार अगली संख्या मैंने ली है 14। 14 का प्रसारित रूप कितना होगा? 10 जोड़ 4। 10 का रोमन संख्यांक का संकेत होता है और 4 का क्या हम 4 बार आई लिख सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। याद रखें, किसी भी संकेत को हम 3 ही बार पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो 4 को किस प्रकार लिखेंगे? 4 को लिखने के लिए क्या हम 5 से 1 घटा लिख सकते हैं? तो जी हाँ। तो 5 का संकेत होता है V और 1 का संकेत होता I, लेकिन V पहले हो गया, इसका मतलब कि बड़ी संख्या पहले। तो हम क्या करेंगे? दोनों संकेतों को एक दूसरे से बदल देंगे। तो 4 के जगह हम लिखेंगे I V। तो अब 14 को किस तरीके से लिखेंगे? X I V। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि रोमन संख्यांक क्या होते हैं और किस प्रकार हम हिंदी अरेबिक संख्याओं को रोमन संख्याओं में बदलते हैं एवं रोमन संख्याओं को हिंदी अरेबिक संख्याओं में बदलते हैं। अगली वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं के बारे में सीखेंगे। तो अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं।